ओकरा पाल समतलन नै होय छै श्रीमान बात लिख लिया आ पलायन कोनो मुद्दा नै छै ओकरा ले ओकरा ई बुझल छै कि दिल्ली मुंबई के एकटा कमरा मे ओ आइ कर रहतै बालकनी मे एकटा सेल्फी लेतै आ तकरा बाद लिखतै हम एकटा खुश छी आ मिथिला दिया लिखतै मिथिला अति शोषित पिछड़ित है और ओकरा दिमाग में कहीं ना कहीं दौड़ देते हम अत बैस जाए दिल्ली मुंबई प्रवासी भाव में बैस जाए और तहन वो चर्चा करते जो बिहार के जीडीपी क्या गिर रहा है इस सब एगो कॉमन टर्म छे सरकार कि बिहार के जीडीपी क्या गिर रहा है कोनो मतलब नहीं कोनो कांसेप्ट नहीं अपन दुनिया आए सेल्फी लेला मस्त रह लेकिन अगर हमारा यहाँ नौजवान आए रहा है ओकरा पीछे जरूर छे मैसूर के पाछा में एक ठोस वजह है आगा बढ़ने के सपना ले कर के चुकी हो रोजगार के गप के आज तक नहीं भेल छे वो पलायन से लड़ के गप के और पलायन से लड़ के गप दिल्ली मुंबई बैठ कर नहीं हो छे श्रीमान ओकरा ले वे मधुबनी कर वाला सारा समस्तीपुर पूर्णिया उधर पड़े छे वे मुजफ्फरपुर में जाय पड़े छे और कहो पड़े छे कि अगर बिहार के आपी जिला में जा और जे हो छे वो उत्तर बिहार में छे कोई दक्षिण बिहार में छे उत्तर बिहार में किस में छे आई हम गर्व के साथ कह रहा छी जे एकटा ठप्पा लागल छला के ब्राह्मणक संगठन छे ब्राह्मणक संगठन छे सवर्णक संगठन छे अब यहाँ भाई मन से कहने के की ना कि सरेश महोत्सव के लाश में है और दलित चिंतक के रूप में जे एकटा परिवार भ गेल छे ओहि मिथक के तोड़े के लेल अहाँ के आगा आबऽ पड़त ओहि मिथक के तोड़ में कहीं ना कहीं हमसब धीरे धीरे क्योंकि मिथिला मैथिली कहीं ना कहीं पहले पंचायतों में सिमट कर रही जे आगा पढ़े नहीं कर लेकिन आई चीज पर क्यों चिंतन नहीं करी क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपना अपना आजीवन में लागल छे अपन अपन रोजी रोटी कमा रहा छे दिल्ली मुंबई बसल छे हम तो ओकरे नेता मानबे ओकरे शीर्ष नेतृत्व मानबे जे हमरा आगा आबि कर राह देखबैया तो मधुबनी दरभंगा से आगा निकल के मिथिला स्टूडेंट यूनियन चमकी बुखार से पहिने एलएनएमयू बदल के बात बहुत बदल के आई बिहार यूनिवर्सिटी बदल के सपना देख रहा है और ओकर नट बोल्ट कस रहा है या मिथिलावाद के धमक है जे आई उत्तर बिहार के डीआरडीओ मुजफ्फरपुर के छह गो डिस्ट्रिक्ट में एमएसयू के प्रसार भ रहा है एलएनएमयू के बात बड़ पुरान भ गेले आई डीएनएमयू मधेपुरा यूनिवर्सिटी में हम ठार भ के कह रहल छियै तोरा समय से डिग्री देबे पर तो वे मांग कर रहल छियै जे कहियो एलएनएमयू में आई से 3-4 साल पहिने पड़े छै तखन बात उठै छै फेर जते हमरा से संभव छै जते हमर प्रसार भ रहल छै हम सब अपन मेहनत कर रहल छियै कि चाहे बाबा खबर कहि के गेलथिन आई मंच से कि अहाँ सब बहुत नीक काज कऽ रहल छियै कुर्बानी दऽ रहल छियै श्रीमान दऽ कऽ रहल छी चूँकि एकटा सपना लऽ कऽ आयल छियै एकटा नेतृत्व के नीचामे काज कऽ रहल छियै तऽ सपना लऽ कऽ आयल छियै लेकिन ई सपना के पूरा करय के जिम्मेवारी सिर्फ हमरे नहि अइ एहिठाम बैठल हमर गार्जियन अभिभावक के सेहो छै जिनका ई भूमिका आगा बढ़ि कऽ लेबऽ पड़तै हमर बेटा पोता अगर गाम पर लै रहल अइ ओ केहन हालत मे लै रहल अइ ओकरा गाड़ी मे पेट्रोल छै कि नहि ओकरा दिन में भोजन भेटे छे कि नहीं क्योंकि श्रीमान ए बात के अहाँ के सोचो पड़त जखन हम गाँव गाँव बौआई छे हमारा वह समाज कहे निकम्मा छे ई नकारा छे जबकि रिजल्ट दे रहा छे रिजल्ट बदल ले यौ आज तक कहियो क्यों सुनने छले सोचने छले जे मुजफ्फरपुर जे तिरहुत के क्षेत्र गिनल जाए छे वो मिथिलाबाद के धुन पर नाच सके छे क्यों सोचने चले क्यों देखने चले क्यों देखने है ता हम को देख लिए क्या मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ताकत छे और अहाँ सब के अगर मार्गदर्शन भेटले संबल दिलिए अभिभावक बाबा ठार भेलिए तो निश्चित रूप से मिथिला बदलाव के परिकल्पना नहीं देखते यार बदलाव भ रहा छे जी मिथिला आप बदल रहा छे मिथिला आप बदल रहा छे ओहि में वो नौजवान आ रहा छे जकरा ले एकटा विजन छे
जे नौजवान अविनाश भाई कहि के गेलखिन है 5 साल, हमर सब एकटा शीर्ष नेता जकर यो 5 साल कृषि मंत्री रहला, यह लातूर छै यौ। 11 टा चीनी मिल छै ना, 11 टा चीनी मिल छै, पानि के समस्या छै ना ओहिठाम। चीनी मिल के लेल सबसे पहिल चीज की छै, पानि चाही। जखन ओहिठाम पानि पीबऽ के नहि छै, जखन टैंकर सब पानि जाय छै, तखन ओहिठाम 11 टा चीनी मिल चलि सकै छै। एशिया का सबसे पहिल चीनी मिल, सबसे पैघ चीनी मिल जे हमरा लग छल लोहट, रैयाम, सकरी, हायाघाट के अशोक पेपर मिल, ओ किया नहि चलि सकै छै। एहि बात पर आओ मंथन करऽ पड़त, चूंकि मिथिला मंथन के इएह मतलब छै, पाग दोपट्टा पहिनला सँ किछु नहि होवय वाला छै। आओ मिथिला के अपन बात व्यवहार बदल, हम सब संघर्ष के लिए पठ संघर्ष के भूखले रहिए, गाय सुनलिए, माय बाप के सपना तोड़ दे, माय बाप के सपना तोड़ दिलिए, अपन ठेकान नहीं है कि कते दिन की कर रहा छी, नहीं कर रहा छी, आगा आवे वाला साल में हमर भविष्य की है ई नहीं पूछल है, लेकिन अगला भविष्य के परिकल्पना कर रहा छी है जे हमर भाई हमरा संगे जे दिक्कत भेलै आगा आवे वाला जनरेशन के नहीं होय, हमरा माय बहिन संगे नहीं होय, हुनका अवकाश नहीं देखे पड़े। श्रीमान फेर मिथिला मंथन में आई बात पर परिचर्चा करी कि पिछला 70 साल में मिथिला पिछड़ गया, हमरा लगता है आजादी से पहले सारा संसाधन चला, सारा सुख सुविधा चले, दू दू टा एयरपोर्ट छ, कहनाइ बहुत आसान छै। एहिठाम आइ मंच पर एलिए यऽ, माइक पर छी, लंबा लंबा गप गप जा सकै छी, चूंकि ना कि भारत के संस्कृति में सिर्फ गप नहीं देनाइ चलि रहल छै, काज खत्म नहि भऽ रहल, काज खत्म नहि भऽ रहल, आइ गप के प्रवृत्ति के बदलब, तऽ प्रवृत्ति केना बदलब। उत्तर बिहार के 20 जिला के हम सीमांकन करे छिए, ई हमर मिथिला क्षेत्र, ई हमर मिथिला क्षेत्र, यो एमडीबी के मांग लग के लिए 200 किलोमीटर पैदल चल के लिए, 200 किलोमीटर पैदल चल के लिए ना यो बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज, बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज, 307 के धारा, 307 के धारा में 17 दिन हमर संगठन के सेल सेनानी जेल खटै छै। की गलती केने रहै यौ, की ओ चीनी मिल के गप केने रहै, की ओ पेपर मिल के गप केने रहै, ओ कहल कि हम पलायन, हम पलायन नाम स्वीकार नहीं करै छी। सागर भाई अंत तक बैठल रहा है, आजादी के गप के थी, देश के आजादी जरूर 70 साल पहले भेटले, लेकिन मिथिला के अखंडता में आजादी नहीं भेटले, आब ओ गुलाम हो गए, पलायन के गुलाम, आर्थिक विफलता के गुलाम, शोषण माने छी, चूंकि आज तक कहाँ छलिए तैं मिथिला मैथिली आगा बढ़ल, तैं मिथिला मैथिली आगा बढ़ले, कहाँ से आग्रह मार्गदर्शक के भूमिका में अबियो, मार्गदर्शक के भूमिका में अबियो, चूंकि देश के अगर आजादी भेटल छै तो खाली चरखा से नहीं भेटल छै, कहीं ना कहीं नौजवान फांसी चढ़ल छै, ककरो योगदान छै जकरा कारण उत्पीड़ित भऽ देश के स्कूल
सा कॉलेज सा अगर नौजवान सड़क पर नहीं उतरते तो की देश की आजादी भेज देते जरूरी है मार्गदर्शक के संगे जोश चाहिए जोश हमरा लग पड़े आगा आबियो मार्गदर्शन करियो राह प्रशस्त करियो अहां के अनुभव हमर उमंग हमर जोश मिथिला निश्चित टा बदलते मिथिला निश्चित टा बदलते आप और समय नहीं लेंगे 70 साल ले लेंगे 70 साल तक ले लिए आ और कते समय लेंगे अहां सबके जनरेशन बाद हमर सबके जनरेशन खत्म हो गेल छै ई अगलो जनरेशन खत्म हो देबै हमर सबके पद्म विभूषित सांसद रहल छै अखन एकटा बहुत चर्चा के तौर पर चूंकि हमर सबके राष्ट्रीय अधिवेशन भेलै राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब विचार के लिए हम सब सब तरह सवाल छै सब तरह काज कर रहल छै लेकिन जते बदलाव हमरा सब संभव छलै हम लोग को एलिए आज जे बदलाव नहीं भ रहल छै कारण ओ सिस्टम नहीं चाहि रहल छै ओ सत्ता में पैसा लोग नहीं चाहि रहल छै ओ मगधिया हुकूमत नहीं चाहि रहल छै आई लेबर जोन तक यो आगा बढ़े हमरा आंख में आंख डाल के बात करे अपना क्षेत्र विकास को करे कि ओठाम जे चीनी मिल चालू भ जेते ओठाम जे पेपर मिल चालू भ जेते त पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र में खटते के यो पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र में खटते के तखन अहाँ नहीं पूछबै हमरा ओठाम के स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है तखन अहाँ नहीं पूछबै हमरा ओठाम के स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है सड़क खराब है शिक्षा नीक चाहिए क्योंकि हम तोरा वोट दै छी लेबर जोन ट्रांसफॉर्मेशन के दौर के आप बदलब जरूरी छै तब बदलबे तखने जते हमर कर्णधार बैठल छी जते हमर अग्रजन बैठल छी हम अहाँ सब आग्रह करै छी कि मुंबई में 1000 मैथिल नहीं छे जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के समर्थन कर सके नहीं छे हम अहाँ सब पूछे चाहे छी नहीं छे कोनो आंदोलन के चलबे के लिए संसाधन चाहे कोनो आंदोलन के चलबे के लिए सामर्थ्य चाहे बाहुबल तो छे लेकिन बाहुबल के चलने के लिए जो संसाधन छे वो हमरा लग नहीं छे तें आंदोलन पीछे रह छे कमी कमी दियो कमी आगा बढ़ाबियो हम तो कहे छे 1000 मैथिल मुंबई से आगा आवे 100% महीना दिए 1,00,000 रुपया है छे गारंटी से कहे छे मिथिला जरूर बदल छे लेकिन की अहां सब मां सब गार्जियन जे छी हम चाहे छी चाही मंच पर अपने कहियो ई टाइप हमर भे किसान नाम जा बिना भारद्वाज प्रेरणा पांडे अमित ठाकुर राघवेंद्र रमन शिवेंद्र पत्यहन हजारों सेनानी के मिथिला के धरती पर ले रहल छे ओकरा गाड़ी में पेट्रोल आ दिन में दू टाइम भोजन के जिम्मा हा ले छिए जो धर्म के प्रचार प्रसार हो सके छे मिथिलावा के प्रसार के रोय में कहियो के रोय सके छे लेकिन अहां सब के आगा आवा पड़त जाबे त अहां सब नहीं एबै कोनो मानदो अर्थ के बिना कोनो आंदोलन नहीं होय छै की होय छै कते हमर राज्य बैसल छी अर्थ के बिना कोनो आंदोलन होय छै त अर्थ के व्यवस्था कत से हेतै हम कहियो नै कहै छी कि महीना के सैलरी चाही 1000 मैथिल 100% महीना डोनेट करो 1,00,000 रुपया हेतै 6 महीना के समय दो 2020 तक पहिले सरकार के कोनो काटे कऽ बने मजदूर कर देलिए तहन अहाँ कहबै मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पावर वाला सामर्थ्य में ओ टाउन में हमर सबके पद्म विभूषित सांसद एकटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के कहलथिन जखन अविनाश भाई लाठी चार्ज में सागर जेल में रहे अनुप भाई जेल में रहते सेकंड पार्लर लीडरशिप में हम सब हुनका जेल से निकाले के लेल कोशिश करैत रहिए तखन ओ कहलथिन एकटा फॉर्मेट होइ छै कोनो बिल के पास करबे अहाँ के पहले वार्ड सदस्य लग जाय पड़त ओहिठाम सब पास करबियो तहन अहाँ मुखिया लगेबै कि हम नहि करल छी यूट्यूब पर छै गूगल पर अहाँ सर्च करियौ हुकुम देव नारायण यादव हमर सबके माननीय सांसद जी कऽ पाला अहाँ सब हर लेवल से पास करबै कहियौ तहन अहाँके गप पर हम विचार करब आ नहि बैठब तऽ उचक्का छै एना ही कहै छै सबके कोनो काज नहि छै कि हमसब उचक्का छी कि हमसब उचक्का छी गार्जियन सब कहै छै कि हमसब उचक्का छी गलत मान कऽ रहल छी यौ घर के लेल दू बोरा आटा चाउर के हम मांग रहल छी कि मिथिला बदलते तऽ हमरे पेट चलते कि सभा पेट चलते सब गोटा वापस लौट तऽ हुनका जवाब देबऽ के लेल जखन ओ कहलथिन दरभंगा में बहुते आंदोलन है दरभंगा में अपन सामर्थ्य दरभंगा देखा चुकल छै।